उड़ान में फंसे 246 भारतीयों का दूसरा जत्था पहुंचा मुंबई एयरपोर्ट। वायुसेना के 2C-130J सुपर हरकलेज और C-17 ग्लोमास्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। जद्दा के रास्ते ग्लोमास्टर विमान से मुंबई लाए गए भारतीय, सकुशल वतन वापसी के बाद खुशी में झूम उठे भारतीय, बच्चों के चेहरों पर दिखी मुस्कान। वायुसेना के जवानों ने लहराया राष्ट्रीय ध्वज। संकट से घिरे भारतीयों को ने मुंबई पहुंचते ही जाहिर की अपनी खुशी, भारतीय वायुसेना के जवानों के साथ ली अपनी सेल्फी, भारत माता के लगाए जयकारे। सूडान में फंसे भारतीयों ने सुनाई अपनी आपबीती का, 15 अप्रैल से दांव पर लगी थी जिंदगी, भारत सरकार ने ली हमारी सूद, बचा ली जिंदगी। ऑपरेशन कावेरी के साथ जुड़ी भारतीय वायुसेना की महिला शक्ति, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट हर राज कौर बनी C-17 ग्लोमास्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, ज्यादा में रेस्क्यू के दौरान बुजुर्ग को सहारा देती आई नजर। गुजरात में स्वागत पोर्टल के 20 साल पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम भूपेंद्र पटेल भी जुड़े। गुजरात में स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा मुझे संतोष है कि स्वागत को शुरू करने का उद्देश्य पूरी तरीके से सफल रहा, कि हमने जिस उद्देश्य से स्वागत को शुरू किया था वो पूरी तरह से सफल हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत के शुरुआती दिनों को किया याद, कहा लोगों ने जैसा मुझे बनाया वैसा ही रहूंगा, कुर्सी का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं जनता जनार्दन के बीच रहूंगा, जनता जनार्दन के लिए रहूंगा, कि मैं वैसा ही रहूंगा जैसा मुझे लोगों ने बनाया है, मैं किसी भी हालत में कुर्सी की मजबूरियों का गुलाम नहीं बनूंगा। कर्नाटक के गडक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान, कहा मोदी एक जहरीले सांप की तरह है, आप चखेंगे तो मर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खड़गे का वार किया, कहा उनकी भाषा सोनिया गांधी के पुराने बयानों से भी बदतर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर बोला हद्धावा, कहा प्रधानमंत्री पर खड़गे का बयान गांधी परिवार की सोच को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का खड़गे पर पलटवार, कहा निचले स्तर पर आई कांग्रेस की राजनीति, मोदी को अपमानित करना ही उनकी सियासत। बयान पर बवाल के बाद खड़गे की सफाई, कहा मैंने बीजेपी को साफ कहा था, मैंने प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं की थी निजी टिप्पणी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का पिता के समर्थन में ट्वीट, लिखा जो शख्स संविधान को नष्ट करता है वो जहरीला ही होता है। सहरसा जेल से रिहाई के बाद मीडिया के सामने नहीं आया आनंद मोहन, पहले कहा था जेल से निकलकर करूंगा बात। गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे सहरसा जेल से निकले आनंद मोहन, पूरे इलाके में समर्थकों का जश्न। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रखा नीतीश सरकार का पक्ष, कहा यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया, इसमें नहीं की जाए राजनीति। आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद का बयान, कहा पूर्व डीएम की पत्नी उमा देवी से मिलना चाहूंगा। जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी से मामले में दखल देने की अपील, कहा सीएम नीतीश को दे आनंद मोहन को फिर से जेल में डालने का निर्देश। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने रिहाई पर जताई खुशी, कहा मेरे पति निर्दोष, हम बिहार सरकार का भी करते हैं आभार। पूर्व आईएएस अनुपम कुमार सुमन ने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, इंसाफ मिलने और कानून की जीत की जताई उम्मीद। आनंद मोहन पर महागठबंधन में बड़ा विवाद, सीपीआई माले में सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी, शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान में देंगे सांकेतिक धरना। ओबीसी ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर उठाए सवाल, का नीतीश के फैसले से जाएंगे गलत संदेश, बिहार सरकार वापस ले अपना फैसला। सहरसा जेल में छापेमारी के दौरान आनंद मोहन के पास मिले थे 4 मोबाइल फोन, 23 अक्टूबर 2021 की को हुई थी रेड। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप, कहा जेल वाली एफआईआर की बात दबाई गई, पूरा बिहार अंधेर नगरी और पलटू राम उनके चौपट राजा। प्रयागराज में अतीक अहमद के ससुर के घर पर छापेमारी, पुलिस को बरामद
बरामद की डायरी में हजारों करोड़ के कारोबार का खुलासा। डायरी में अतीक के कई का करीबियों और मददगारों के नाम दर्ज। 5 राज्यों में बेनामी कंपनियों का भी जिक्र। मौके से अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद। 28 अप्रैल को अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। नूरी पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों की मदद करने का आरोप। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ की उमेश पाल हत्याकांड में सीजीएम कोर्ट में पेशी। उमेश पाल अपहरण केस में पहले मिल चुकी है उम्र कैद की सजा। प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर में खून मिलने के मामले में पुलिस ने शाहरुख नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। लोहा चोरी करने के दौरान हाथ में लगी थी चोट। अतीक अहमद के जेल में बंद दो बेटों उमर और अली समेत 6 लोगों पर रंगदारी मांगने के आरोप में केस दर्ज। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की तहरीर पर लिखी गई ये रिपोर्ट। प्रयागराज के उमरपुर नीवा गांव में भू माफिया रिजवान अहमद के कब्जे से छुड़ाए गए कई प्लॉट। हाई कोर्ट के आदेश पर बात चला है ये बुलडोजर। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर पर खर्च को लेकर सियासी भिड़ंत जारी। घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के में सादा केजरीवाल पर निशाना कहा। दिल्ली की जनता खुद को छला और ठगा हुआ महसूस कर रही है। केजरीवाल के घर पर करोड़ों के खर्च पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। सरकारी आवास पर इतना खर्च करने की नहीं मिलती इजाजत। शरद पवार का बड़ा बयान कहा, किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो जल जाती है। मुंबई के युवा मंथन कार्यक्रम में शरद पवार ने दिया बयान, कहा अब रोटी पलटने का सही समय आ गया है, उसमें नहीं होनी चाहिए देरी। शरद पवार के बयान पर बोले अजीत पवार, एनसीपी में पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को तरजीह देने की पुरानी परंपरा। शिंदे गुट का शरद पवार पर तंज, कहा अब वो अजीत पवार को करेंगे दरकिनार। एनसीपी की कमान किसी नए नेतृत्व को देने का संकेत। कर्नाटक के लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन, कहा राज्य के लोगों को बीजेपी पर भरोसा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद विकास की रफ्तार तेज, लोगों को मिलता है मनपसंद कर। 29 अप्रैल को कर्नाटक दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु में 4.5 किलोमीटर लंबा रोड शो का है कार्यक्रम। कर्नाटक के उडुपी में राहुल गांधी ने मछुआरों से की बात, कहा अगर सत्ता में आएगी कांग्रेस तो सभी मछुआरों का होगा 10 लाख का बीमा। यूपी के कई शहरों में निकाय चुनाव में सीएम योगी का प्रचार। मथुरा में कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल की पवित्रता के साथ नहीं होने देंगे खिलवाड़। फिरोजाबाद की चुनावी सभा में बोले सीएम योगी, 2017 से पहले लहराए जाते थे तमंचे, आज सुरक्षा के लिए जाना जाता है यूपी। आगरा में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकारों में माफिया अपराधी सीना तान कर चलता था, अब जान की मांग रहे हैं भीख। रामनवमी में हावड़ा में भड़की हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त, एनआईए जांच के दिया आदेश। हाई कोर्ट में से फैसले के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय का बयान, सीएम ममता के भड़काऊ भाषण से फैली थी हिंसा, तुष्टीकरण की आग में जल रहा था बंगाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों का धरना जारी, पहलवानों ने वहीं पर किया अपना वर्कआउट। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, निष्पक्ष जांच के लिए गठित की गई है कमेटी, किसी भी थाने में करा सकते हैं एफआईआर दर्ज। पहलवानों के धरने पर आईओए अध्यक्ष पीटी उषा का बयान, बोली रेसलर्स का विरोध खेलने के लिए ठीक नहीं है। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह सरन ने सोशल मीडिया पर कविता के जरिए दिया जवाब, निजी सचिव ने किया इसको पोस्ट। धरने पर बैठे खिलाड़ियों को मिला हरियाणा के खाप का साथ, शुक्रवार को हरियाणा के सभी खाप कर सकते हैं दिल्ली मार्च। पूरे विधि विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, बड़ी संख्या में जुटा भक्तों का सैलाब। जय बद्री विशाल के नारों से गूंज उठा पूरा फिजा, बर्फ से कुदरत ने भी किया श्रृंगार। केदारनाथ धाम में जारी है बर्फबारी का सिलसिला, कड़कड़ाती ठंड और बर्फ के बीच बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगे यात्री। यमुनोत्री धाम में हो रही जमकर बर्फबारी, सैकड़ों की संख्या में आए यात्री झेल रहे हैं भीषण ठंड। देहरादून में मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 1 मई तक केदारनाथ और बद्रीनाथ का मौसम अलर्ट पर।
कांगड़ा घाटी में झमाझम बारिश के बाद ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी, घाटी के तापमान में आई गिरावट।